The book value of a company is determined based upon the values given in the financial statements or the books of a company. Whereas, the market value of a company is given by its standing or position according to the stock market. So, both these concepts have their own significance. The role play when we have to analyze or make. अ फाइनेंशियल डिसीशन और वेन वी हैव टू डिसाइड वेदर आर नॉट वी नीड टू इन्वेस्ट इन अटन कंपनी और नॉट या जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उन्होंने डिसीशन लेना है या बायर ने डिसशन लेना है या सेलर ने डिसशन लेना है कि मुझे इस कंपनी के साथ काम करना है या नहीं बिजनेस करना है कि नहीं तो उसके लिए बहुत बुक वाली और मार्केट वाली अहम रोल प्ले करते हैं मगर दोनों कॉन्सेप्ट इम्पॉटेंट तो हैं मगर साथ ही में उनके साथ कुछ लिमिटेशन्स या उनके कुछ बैड uh, एस्पेक्ट्स भी हैं कि वो कुछ चीज़ें बताते हैं मगर कंप्लीट पिक्चर्स की वजाहत नहीं करते तो हमें important, इस हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि उनके दोनों कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस क्या हैं जिसकी वजह से हमें दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में फॉर करना है बेहतर फैसले करने के लिए बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए सो वैन वी लुक एट द बुक वैल्यू एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड सीन एंड अंडरस्ट ये बुक वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स और द बुक्स ऑफ दैट कंपनी सो जब हम मार्केट प्राइस को देखते हैं तो वहाँ आपको डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलती है और जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ में तो अक्सर देखा जाता है कि बेशक वो एक ही कंपनी के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही वैल्यू पे नहीं बैठे होते दोनों मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स या डिफ़रेंट वैल्यूज़ शो कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है उसके पीछे वजह ये है कि जब हम बुक वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम फर्म के तमाम तरह के एसेट्स को तमाम तरह के लाइबिलिटीज़ को अकाउंट फॉर नहीं करते फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स हैं फॉर एग्जांपल उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं उसने बहुत मेहनत करके उनको ट्रेनिंग्स देकर अपने इम्प्लॉयिज़ की क्वालिटी को इनहेंस किया है उनकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस किया है तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मुरतब करते हैं जब आप बुक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ का हाई क्वालिटी होना या उनके अंदर बहुत हाईली प्रोडक्टिव होना उसमें शुमार नहीं किया जाता तो आपको इस बात का अंदाज़ा फाइनेंशियल बुक्स को या बुक वैल्यू को देख के नहीं हो सकता कि उसके पास कितना हाई क्वालिटी या हाई लेवल ऑफ़ प्रोडक्टिविटी के एम्प्लॉज़ मौजूद हैं सो इसी तरह से अगर किसी कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्लेस किया है मार्केट में और हमेशा अच्छे क्वालिटी के गुड्स को ही मैन्युफैक्चर करके बेहतरीन मैार को फॉलो करते हुए लोगों को अच्छी अच्छी कीमत के ऊपर चीज़ें पहुँचाएँ हैं काफ़ी साल तक तो उसने एक अच्छा गुडविल बनाया है तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं या उसके बुक वैल्यू को कंसिडर करते हैं तो उसमें ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिसको हम बिज़नेस की ज़बान में गुडविल कहते हैं वो भी फॉर नहीं होता लिहाजा हम बुक वैल्यू में इस तरह की इंटेंजिबल्स को देख नहीं देख सकते उसमें इंटेंजिबल्स दिखाई नहीं देते लिहाजा यू मे कम अप विद अ रॉन्ग इम्प्रेशन और एन इनकम्प्लीट पिक्चर और इनकम्प्लीट इम्प्रेशन सो ये बुक वैल्यू का एक लिमिटेशन है कि वो वहाँ इंटेंजिबल एसेट्स को या गुडविल को या इस तरह के जो मैंने आपको बताया हाईली प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है जिसको बहुत रिग्रसली ओवर दी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने तैयार किया है उन्होंने उनको मोटिवेट किया था उन्होंने उनके साथ जॉब रिटेंशन को इंश्योर किया है मुख्तलिफ तरह की इंसेंटिवस दे के आप इन सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर नहीं कर सकते इसी तरह से जो आपके बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को आप शो करते हैं या एसेट्स को आपने शो किया है उनको आपने ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर शो किया है तो आप जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपने एक करोड़ रुपए की एक मशीन ख़रीदी हो मगर एक साल के बाद या दो साल के बाद उससे कोई बहुत हाईली एडवांस किस्म की मशीन मार्केट में आ गई जिसकी वजह से वो मशीन जो आपने एक करोड़ रुपए की एक साल पहले बाय की थी वो अपसेट हो गई या आउट ऑफ फैशन हो गई है या उसका यूसेज उतना नहीं रहा मगर आपके बुक्स में वो एक करोड़ रुपये की है अगर आपने उसके ऊपर दस परसेंट डप्रिसिएशन लगाया तो नेक्स्ट ईयर इट वो उसका जो कॉस्ट है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली जो आपका टोटल एसेट है इंक्लूडिंग दैट मशीन वो एक करोड़ माइनस टेन परसेंट ऑफ डेप्रिसिएशन की वैल्यू तो, दिखाएगा मगर जब आप उसको अगर मार्केट में जाके बेचें तो चूंकि वो ऑप्सोलीट टेक्नोलॉजी की है हो सकता है अभी वो एक करोड़ रुपए की बजाय वो चंद हज़ार रुपये में बिके तो लेकिन आपके बैलेंस शीट आपको टोटल एसेट दिखा रही है एक करोड़ रुपये का या एक करोड़ माइनस टेन परसेंट ऑफ एक करोड़ एक साल के बाद मगर एक्चुअल वैल्यूज़ का ऐसा नहीं है तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ लिमिटेशन विच वी कम अक्रॉस जब हम बुक वैल्यू को अकाउंट फॉर करते हैं लिहाजा ज़रूरी है कि जब आप बुक वैल्यू को कंसिडर करें तो साथ ही में आप मार्केट वैल्यू को भी एनालाइज करें इस इन इन दो फ़र्क की या लिमिटेशंस के होने के अलावा हमारे पास और भी बुक वैल्यू के काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं जैसे हमारे पास बुक वैल्यू जो कोई भी क्लेम्स ऑन एसेट्स या लोन्स वग़ैरह की जो एक्चुअल पोजीशन है या एक्चुअल उसका रियलिस्टिक इम्पैक्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोन लिया है उसकी वजह से Uh, या आपने कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट देनी थी किसी को उसको आपने रीपे किया है उसकी वजह से आपका ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कितना उसका नुकसान पहुंचा है आप इस तरह की इम्पैक्ट्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखा सकते तो दैट इज़ अनदर ड्रॉबैक या प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग द बुक वैल्यू

जो एक्चुअल सिचुएशन को अकाउंट फॉर करें कंपनी बैंक्रापसी की तरफ जा रही है मगर जब आप सिर्फ बुक्स uh, के अकॉर्डिंगली उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं उसके लाइबिलिटीज़ को देखते हैं उसके एसेट्स को देखते हैं तो आपको हो सकता है कोई फैंसी या रोज़ी पिक्चर देखने को मिले तो ये तमाम तरह के लिमिटेशन हैं जो कि बुक वैल्यू के साथ में एसोसिएटेड होते हैं कमिंग टू द मार्केट वैल्यू उसके भी uh, कुछ लिमिटेशन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को अकाउंट फॉर करा जब हमने स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स के अंदर देखा कि हमारे पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो इतनी है आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू को फॉर कर लेते हैं तो हो सकता है कि आ, कोई कोई सर्टन कोई ऐसी कोई बात हुई हो आ, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है मार्केट में जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो होपफुल हो गया है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया या एक हम कॉन्प्ट इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर जिसमें हम बोलते हैं कि देर इज़ दिस हर्डिंग इफ़ेक्ट के किसी एक ने आपको बताया कि मैंने फ़ला कंपनी को फोर्सी किया वो वो अच्छा प्रॉस्पेर करने वाली है ग्रो करने वाली है फ्यूचर में तो मैं उसमें काफ़ी सारे पैसे लगा दिए या ढेर सारे उसके शेयर्स बाय कर लिए तो वो कोई मुतबर आदमी है आप उसके देखा देखी तमाम लोग उसके उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और आप सब उस 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 कंपनी का शेयर बाय करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से डिमांड के इंक्रीज कर जाने की वजह से उसकी प्राइस एस्केलेट कर जाए ऊपर चली जाए तो उसका हरगज़ यह मतलब नहीं कि वो वाकई ऊपर उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है तो समटाइम्स इस किस्म के एलिमेंट्स uh, की वजह से या नॉर्मेलिटी की वजह से जिसको हम इनली बोलते हैं इस तरह की अनोमली की वजह से जो मार्केट वैल्यू है इट मे गिव यू अ रॉन्ग इम्प्रेशन और अ रॉन्ग पिक्चर सो दिस कैन बी अ लिमिटेशन इसी तरह से जो अम, लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो मेगा कैप और लार्ज कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स को अकाउंट फॉर करते हैं उनकी मूवमेंट्स देखते हैं बट जनरली हम देखते हैं उसमें अप एंड डाउन सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे करते हैं तो वहाँ से भी हो सकता है कि दे मे कम अप विद रॉन्ग डिसीशन के वहाँ जो थ्री टू फाइव परसेंट मूवमेंट हो रही है दिस इज़ वो कंसिडर करें कि ये तो नॉर्मल मूवमेंट है लेकिन दे इट माइट बी प्रॉब्लमेटिक इन द लॉन्ग रन सो समाइम्स जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मली बोला ढेर सारे डिफरेंट तरह के नॉर्मलीज़ हैं या अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी स्टॉक ओवर बाय या ओवर सेल हो जाता है और ओवर बाय और ओवर सेल होने की वजह से जो उसकी मार्केट प्राइस है वो एक्चुअल या नॉर्मल मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे चली जाती है इट कैन भी बिकॉज ऑफ़ समी प्रॉब्लम विद द कम्पनी किसी ने कोई हवा, कोई अफवाह उड़ा दी किसी कंपनी के बारे में या कुछ भी इस तरह का कोई कोई उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ है जिसकी वजह से लोगों ने बोला कि अभी तो कुछ गड़बड़ होने वाली है और हालांकि वो अच्छी खासी स्ट्रॉग हो सकता है कंपनी थी मगर इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की वजह से लोगों ने उसके शेयर्स बेचने शुरू कर दिए कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो दिस मे बी दिस मे की कॉज क्योस इन द मार्केट और सारे लोग उसको सेल करना शुरू कर देंगे और प्राइसिस का नीचे चला जाएगा तो यहाँ अभी समटाइम्स अगर हम सिर्फ मार्केट प्राइस को देखेंगे तभी भी वहाँ चूँकि वो मार्केट को फ़ौर उसके तब्दीलियों को रिप्रेजेंट कर रही होती है स्टॉक मार्केट के वैल्यूज़ उसका उतार चढ़ाव फ़ौरन हो रहा होता है इट इज़ कंसिडर टू बी वेरी वोलेटाइल वेरी फ्लक्चुएटिंग तो इट मे गिव यू Lead to some wrong decisions, and uh, that is also that that is a limitation of the market price. So when we look at the two sides together, so both the book value and the market values have some good things and some bad things linked up with each other. So in order to have a better decision making, uh, it is important to consider both, not only one uh, type of uh, price of uh, of the firm or a company.